आगे बढ़ते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव भगतपुर टांडा स्थित उदावाला गांव पड़ा। लगभग 6000 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 31 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से इस ग्राम पंचायत की दूरी मात्र 10 किलोमीटर ही है। वर्तमान समय में मोहम्मद अकरम ने इस गांव की कमान अपने हाथों में ले रखी है। प्रधान मोहम्मद अकरम की यह ग्राम पंचायत 2100 की कुल वोटर संख्या वाली है। साथ ही यहां पर 389 राशन कार्ड धारक भी मौजूद हैं। बात अगर शिक्षा की करें तो प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों में लगभग 70 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो गांव में शिक्षा की बदतर स्थिति को बयां करता है। गांव में विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन व विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी पूरी तरीके से ग्राम प्रधान द्वारा लाभान्वित हो रहे हैं। ग्राम प्रधान ने बताया कि उन्होंने गांव में सड़कों का निर्माण करवाया है, साथ ही साथ बिजली के पोल भी लगवाए गए हैं। उन्होंने बताया कि गांव में उनके द्वारा सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं, साथ ही साथ पानी की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए लगभग 30 हैंडपंप व 30 बिजली के पोल व 3 बिजली के ट्रांसफार्मर भी गांव में ग्रामीणों के लिए लगवाए गए हैं। ग्राम प्रधान ने एबीपीएस न्यूज टीम के माध्यम से केंद्र सरकार व राज्य सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द उनके गांव में एक जूनियर हाई स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, पानी की टंकी, बारात घर, कब्रिस्तान की चार दीवारी का काम जल्द से जल्द कराया जाए, जिससे ग्रामीणों को किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। मोहम्मद अकरम, ग्राम पंचायत उदावाला, ब्लॉक भगतपुर टांडा, डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद। मेरी जो डिमांड है, एक सफाई कर्मी चाहिए मुझे, सफाई कर्मी, क्योंकि बड़ी दिक्कत है मेरे गांव में सफाई की। उसके बावजूद एक ट्रांसफार्मर की जरूरत बहुत आवश्यकता है इस समय, बड़े वाले ट्रांसफार्मर की, क्योंकि एक साइड में लाइट नहीं आ रही है काफ़ी दिनों से, बहुत दिक्कत का सामना है। कई बार डिमांड मांगी गई है, मैं सरकार मतलब जो जेई वगैरह हैं वो हमारी नहीं सुन रहे। कई बार समझाया हमने कि भाई जेई हमारा ट्रांसफार्मर लगवाओ, मगर वो नहीं सुनते हमारी। और फिर चार दीवारी की जरूरत है हमें, चार दीवारी स्कूल की बाउंड्री की अति शीघ्र, क्योंकि बिल्डिंग पे बच्चे बहुत नुकसान कर रहे हैं, बहुत नुकसान कर रहे हैं, वो हमें बहुत दिक्कत आ रही है उससे, क्योंकि हम काम कराते हैं उसमें वो तोड़ देते हैं, काम कराते तोड़ देते हैं बच्चे सरकारी बिल्डिंगों में, जो हम इतनी बड़ी देख रेख कर रहे हैं टाइम बाई टाइम, जैसे चौकीदार होता ना गाँव का, ऐसे हमें देखने करनी पड़ती है जाके मौके पर। और एक हमें जो है बिसोली में मझरे में आंगनबाड़ी केंद्र चाहिए, आंगनबाड़ी केंद्र मझरा, उदावाले का मझरा बिसोली में आंगनबाड़ी केंद्र चाहिए एक। और एक सफाई कर्मी तो आपने आई गया इसमें। ग्रामीणों ने भी एबीपीएस न्यूज टीम के सामने ग्राम प्रधान की समीक्षा करते हुए बताया कि ग्राम प्रधान कार्य बेहतर तरीके से कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा फंड मुहैया ना होने की वजह से विकास कार्य रुका पड़ा है। नाम मोहम्मद अनीस है, गांव उदावाला का रहने वाला हूं, और भोजपुरी ब्लॉक से हमारे बहन जी काम करते हैं, और ये गांव में काम से कर रहे हैं, उदावाला गांव।